आई बिलोंग टू अ जनरेशन हू हैज ट्रेडिंग इन द ब्लड। तो मैंने ट्रेडिंग चालू की, मैंने ट्रेड किया जिसमें आईटीसी का कॉल ऑप्शन मुझे कोई पुट की जगह दे दिया। थिंक अबाउट इट, किसी को बेचना था कॉल ऑप्शन पर उसने दे दिया पुट ऑप्शन सेम प्राइस पे। तो मेरे पैसे बने कि मेरे लगे? बने। पैसे बने भी लगे? बने, बन गए। अगर मुझे कॉल के दाम में पुट मिल जाए तो पैसे बनेंगे कि लगेंगे? 25 लाख रुपए बने मेरे। वाह, बहुत खुशी हुई, 25 लाख रुपए बन गए एक ट्रेड में। पर दुख बहुत हुआ क्योंकि जिसका पैसा लगा उससे क्लरिकल एरर हो गया सिर्फ, और कॉल की जगह पुट की जगह बेचारा कॉल बेच दिया उसने। उसकी गलती क्या थी? सब कुछ समझा, ठीक समझा, बट देयर वाज एन एरर ऑफ ओमिशन। तो एज अ ट्रेडर इनिशियली यू सी लॉट ऑफ प्राइस इनएफिशिएंसी। हेलो, आर यू गाइस रिपीट? यस 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 यस। मैं बोला आने वाला 12 मिनट हार्ड हिटिंग होने वाला है, तो प्लीज कीप योर नर्व्स ऑन विद मी। सम ऑफ यू प्रोबब्ली विल नॉट लाइक मी आफ्टर दिस 12 मिनट्स, ओके? एंड मैक्सिमम विल लव मी। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर रिसोर्सफुल पीपल, नॉलेजेबल पीपल, टैलेंटेड पीपल विल मेक प्रोबब्ली मोर मनी than not so talented people, yes or no? Yes. यहाँ पर IIT दिल्ली का टॉपर भी है, IIM अहमदाबाद का टॉपर भी है, यहाँ पर दिल्ली से कॉमर्स ग्रेजुएट भी है, सब एक ही काम करने आए हैं। क्या काम है वो? पैसा बनाने आए ना। किसी का सुना पैसा करने आया मार्केट में? 5000 लोग यहाँ पर है, सबका एक सिंगल एजेंडा है, सर पैसा कैसे बनेगा बताइए। आप 5000 तो है, 5 करोड़ लोग हैं मार्केट में विद अ सिंगल पॉइंट एजेंडा कि पैसा बनाना है। नितिन कामत साहब ने ट्वीट किया, 99% पीपल हैव नॉट बीटन द एफडी। तो इसमें नई बात क्या है? मैनकाइंड का हिस्ट्री निकालो, 1% लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं आज तक। 99% लोग जो है वो एवरेज जिंदगी जिए, यस और नो? तो हमको 1% क्लब का पार्ट बनना है ना। हाँ, तो आप 5000 लोगों में पोटेंशियल है कि आप 1% क्लब का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपने एफर्ट लिया है यहाँ आने का। दिस इज एन एफर्ट, हम लोगों ने एफर्ट दिया आपको बताने का और आपने एफर्ट लिया यहाँ आने का। बट देन नहीं बनेंगे आप लोगों में से सबको ही, शायद इस 5000 में से भी 1%। अनंत ने कहा कि ज्यादा बनेंगे, बट मैं कहता हूँ इस 5000 में से भी वो 1% लोग ही है जो शायद 10 करोड़ से ज्यादा साल तक पैसा कमाएंगे। कितना होता है 5000 का 1%? 50 लोग। नाउ थिंक अलाउड, कैन यू बिकम दैट 50 पीपल? ओके, जब यू पैकिंग वाला है, ओ वाओ, गिव अस अ शाउट, कैन यू बिकम दैट? यस, व्हाट एन ऑडियंस यू हैव, फुल सैल्यूट टू यू, यू हैव फॉलोअर्स लाइक यू, लाइक देम। ओके, लेट मी गो बैक टू माय स्टोरी। तो 2006 में मैंने कमोडिटी से चालू किया था। क्यों मैंने कमोडिटी चालू किया? केवल ये सोना चांदी के लिए मैं एक्साइट करता था, सब मुझे एक्साइट करता था कि यार ये कितना फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक सोना का ये दाम, ये क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इट्स एन आर्ट। एक सोने का जो भाव है ये क्यों है 55,000, ये क्यों है 50,000? इट्स एन आर्ट विच आई वॉज ट्राइंग टू डिकोड। जैसे एक आर्ट होता है ना कि ये आर्ट का दाम इतना क्यों है। कभी सोचा इस तरह से मार्केट को? कभी सोचा मार्केट एक आर्ट है? कभी अगर तक थोड़ा अबाउट इट, ये भाव ये क्यों है? कभी भाव से बात की है? कभी क्यों ट्रेड कर रहा है? तो इसके नीचे क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं है? वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की है भाव से। ऑप्शंस के अंदर में अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं जो वो रिलेशनशिप को बताएंगे, डेल्टा, गामा, थीटा, बहुत कुछ है जो हमको रिलेशनशिप को डिकोड करना सिखाएंगे। बट अल्टीमेटली वो कनेक्शन विद द मार्केट विद द प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने किया और मुझे 2 साल लगे। व्हेन आई कुड से दैट आई बिकेम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर विद लेस देन 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट? Come on, show me your hand. Okay, less than 1 year of experience in market. Okay, that's reasonable number. So take my benchmark, 2 saal market mein rehna padega
moment you become a consistent profitable trader. It is not about making money this month and next month losing money. Because kharcha apna month on month fix hai. Chahe yahan phone khareedne hai, chahe ghar mein kisi ko salary deni hai, to har mahina paisa kamana hai. Matlab bread and butter. That should be our intention. So dosa lagenge uske andar mein. Are you guys with me on these things? Yes. Commodity kya, currency kya? उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई। 2008 में एल्गो ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमको टेक्नोलॉजी का टी नहीं आता। व्हाट यू डू, यू कोलैबोरेट, यू कोलैबोरेट विद पीपल हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एंड यू वर्क टुगेदर। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बहुत सारा ऐसा काम किया जो मार्केट का नीड था उस समय और मेरे को इवॉल्व करने के लिए पुश करना था मार्केट। हर 3 साल 4 साल में मार्केट का डायनेमिक चेंज होता है। Dearly, कौन करता है इस चेंज को? Who introduces the change? सेबी। हर 3 साल 4 साल में रेगुलेटर मार्केट का डायनेमिक चेंज करेगा। क्यों करेगा? ऑप्शन मार्केट इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि एसटीडी ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन मार्केट को मोर वायबल करता है। पहले फ्यूचर्स में आया, फ्यूचर्स मार्केट का काम बंद हो गया। ऑप्शन में स्प्रेड ट्रेडिंग क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि मार्जिन बेनिफिट 3 साल पहले एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किया। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मार्केट का माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे वैसे आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? यस। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स डिस्कशन आई एम हैविंग विद यू, बट व्हेन यू गो फ्रॉम हियर इट कैन नॉट बी ओनली स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो वह करेंगे करेंगे, बट मेरा एक्सपीरियंस है सेम स्ट्रेटजी 2-3 साल उसके बाद वर्क करनी बंद कर देते हैं। क्योंकि सबको तो पता था कैसे पैसा कमाना है, सबको पता है। हाउ इज इट पॉसिबल? तब तो इंडिया में बिलियनर्स की लाइन लगी ना, तो मुकेश अंबानी क्यों कर रहे थे वो ट्रेडिंग भी करने में? अगर स्ट्रेटजी से पैसा बन ही जाएगा तो कंसिस्टेंटली नो बनता है, लेकिन इवॉल्व करना पड़ता है। जब 2013 में जब मेरे बच्चे पैदा हुए तब तक सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रेडिंग करता था कमोडिटी इक्विटी करेंसी पागल पर। ऑब्वियसली आई वाज मच मोर यंगर, बट जब बच्चे पैदा हुए तो रियलाइज हुआ व्हाट इज द लाइफ आई एम लिविंग। आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ, आई वांट टू गिव टाइम टू माय किड्स। दैट मेड टू चेंज इन माय थॉट प्रोसेस। एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू विल हैव टू चेंज, यू विल हैव टू चेंज एंड यू हैव टू एम्ब्रेस द चेंज। और चेंज तभी आप एम्ब्रेस करते हैं जब अपने इस तरह के इवेंट्स में रेगुलरली आते हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव सुनते हैं। ऑलराइट, यू एग्री? अब थोड़ा सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बात करें, क्योंकि मैं भी बात कर लूँ, आई थिंक आई हैव प्रॉब्ली 4 मिनट्स। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो जब 2013 में मुझे लगा कि मुझे टेंजेंट चेंज करना, आई कांट डू व्हाट आई एम डूइंग दिन भर का ट्रेडिंग, तो मैंने काफ़ी स्टडी की। तो एक थ्योरी मुझे लगा कि लाइफ लॉन्ग थ्योरी है, एवरग्रीन थ्योरी है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी। रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी बहुत सिंपल है कि घोड़ा रेस चल रही है, घोड़ों की रेस चल रही है और पैसा कौन देगा? नंबर वन घोड़ा देगा और अपने को नंबर वन घोड़ा को पकड़ना है। मैं इंडेक्स ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली देयर आर एक्सपर्ट्स हियर हु ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी रेगुलरली, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट यस आई वांट टू टॉक अबाउट स्टॉक्स। देखो मुझे लगता है बड़ा वेल्थ क्रिएशन स्टॉक ट्रेडिंग से ही होगा, स्पेशली अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते जा रहे हैं और अगर मार्केट और बढ़ गया, अगर वो 5 हो गया 9.5 हो गया 12 हो गया तो इंडेक्स ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। केस स्टडी यूएस मार्केट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी डाउ एंड नैस्डैक व्हिच इज ट्रेडिंग। तो स्टॉक्स ट्रेडिंग यस, रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी यस, द थ्योरी हैज आल्सो इवॉल्व एज मार्केट आस्क्ड मी टू इवॉल्व, बट नाउ ही इज हियर आस्किंग मी टू स्टॉप, सो आई एम स्टॉपिंग। Fantastic, ladies and gentlemen, can we